अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। आज सुबह मैंने इनकी शार्ट वीडियो दी है फॉर सेल के लिए। ये देखें इनकी क्या हालत हो गई है। अच्छा, आपको नज़र आ रही है? ठीक है, साफ नज़र आ रहा है। सारा चेहरा इनका लाल हो गया, जख्म से जो है भर गया सारा चेहरा। ठीक है दोस्तों, ये देखें। ठीक है, ये तो एक है। ठीक है ना, ये देखें। ठीक है, स्टॉप कर दो जी दोस्तों। ये है नंबर टू। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़े। दिखाए इसको, दिखाए ये और ये आपस में लड़े। ठीक है, मैं अभी सोया हुआ था। ठीक है, और असर की नमाज के लिए उठा हूँ तो देखा तो ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, और ये दोनों नर हैं। ये देखें, यहाँ से इसका चेहरा देखें। ठीक है, ये इसको कहते हैं नज़र का लगना। ठीक है, सुबह मैंने आपको कहा था कि माशाल्लाह कहा करे कि नज़र ना लगे, अच्छे अच्छे परिंदे ज़ाया हो जाते हैं। ये तो अच्छा कि मैं उठा हूँ तो मैंने देखा है उनको, तो अब बच जाएंगे इंशाल्लाह। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तकलीफ़ तो एक दूसरे को, नुकसान तो एक दूसरे को पहुँचाया ना इन्होंने। ये देखो, ये दोनों थे। तीसरा दिखाता हूँ आपको मैं, स्टॉप कर देता हूँ। ये जी तीसरा है, देख लें। अच्छा, इसी गर्दन देखे, गर्दन से बिल्कुल इसकी जो है चमड़ी जो है वो बिल्कुल हट चुकी है, अंदर रगें नज़र आ रही हैं सारी। ठीक है, पट्टे सारे नज़र आ रहे हैं इसके। ये होता है गर्म खून। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ गुजारा और एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये दो ढाई महीने के जब हो जाए तो फिर ये एक दूसरे को दुश्मन हो जाते हैं, हालांकि ये भाई बहन है। ठीक है, तो ये तीन जो मैंने बताए, ये तीनों मुर्गे हैं और गर्म खून है इनका, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, ये आपने देख लिया। ठीक है, स्टॉप जी दोस्तों, ये नंबर चार। ठीक है, ये जो है बहन है इनकी। ठीक है, तो ये फीमेल है तो इसलिए इसने लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो ये बची हुई है। सही है, तो अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि इनकी ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जबानी बता देता हूँ कि रुई लेनी है और पायोडीन उस पर लगा के इनके चेहरे को अच्छी तरह आपने धोना है। ठीक है, सारा जहाँ पर ज़ख्म है आँख को बचा के, ठीक है, आँख और नाक को बचा के इनके सारा मुंह साफ़ करके, फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इनके चेहरे पर पॉलीफेक्स मरहम है, ऑइंटमेंट है, वो इनको लगाना है। ठीक है, अपनी उंगली पे थोड़ा सा पॉलीफेक्स डाल के और इनके चेहरे पे इसे मलना है जहाँ पर ज़ख्म है। वही बात है कि आँख और नाक जो हमने बचानी है। ठीक है, इंशाल्लाह ये तीन चार दिनों के अंदर इनका ज़ख्म जो है वो सूख जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि कुरश के इनका ज़ख्म जो है वो साफ़ कर देना है, छिलका होता है वो हटा दें, तो नया छिलका इसके नीचे आ जाएगा, नया स्किन जो इनका अपेयर हो जाएगा, ये बिल्कुल इनका चेहरा साफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये नहीं किया और आज मैंने छोड़ दिया आज रात के लिए, कह रहा वो छोड़ दो कल देखेंगे, तो आज रात इनको शदीद बुखार हो जाएगा और वो बुखार इनके जिस्म के अंदर इतना दर्द पैदा कर देगा कि ये फिर आप ट्रीटमेंट भी करें इनकी तो फिर ये ठीक नहीं होंगे और ये मर जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे चूजे हैं, दो ढाई महीने के चूजे हैं, लेकिन है मियाँ वाली नस्ल है। ठीक है, और खून के गर्म होते आपस में लड़ते हैं। ठीक है, इसके बच्चे हैं, देखें ये इसके बच्चे हैं, तो आप खुद सोचें कि इसका फादर जो है इतना हाइटेड है, इतना हैवी हो, इतना डेंजरस है, ये बच्चे भी उस तरह होंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह क्या करें, ये चूज़े, ये मुर्ग, ये मुर्गियाँ, ये पिन को नज़र लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।